राधे राधे दोस्तों, आज हम कच्चा आम का मीठा अचार बनाएंगे, उसको लौंजी भी बोलते हैं हम। आप ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, कैसे भी परांठा के साथ आप सफ़र में खाइएगा, टिप बच्चों के टिफिन में दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। बटर लगाना भूल जाएंगे आप, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप सब्ज़ी भी बनाना भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है, आप बना के ज़रूर खाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। 800 ग्राम जितना हमने आम लिया वजन में, 4 आम है मेरा कच्चा आम, इसका लौंजी बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेंगे, पहले इसको छीलेंगे बाद में हम काट लेंगे। ऐसे इसको पूरा छिलका उतार लेना है। अब काट लेते हैं, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों मैंने आम काट लिए हैं। उधर मैं ये गैस को चालू कर दी हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ और गर्म हो गया है मेरा तेल, तो इसमें हम सौंफ डाल लेते हैं। देखिए गोटा सौंफ डाल लिया मैंने, साबुत सौंफ बोलते हैं इसको, साफ कर लिए थे। थोड़ा सा हम हींग डाल देते हैं, मेरा गर्म हो रहा है। हम तेल ज़्यादा नहीं डाले हैं, एकदम छौंकण जितना तेल डाले हैं, सब्जी छौंकते हैं उतना ही तेल डाले हैं। देखिए कटे हुए आम इसमें हम डाल देते हैं, धीरे धीरे पूरा आम हमने डाल दिए थे कटे हुए, इसको धीरे धीरे इसको हला लेते हैं तेल में। सौंफ को हमको ध्यान रखना है, काला नहीं करना है एकदम से, थोड़ा लाल लाल ही रखना है, ब्राउन ब्राउन तो अच्छा लगेगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। उसी हिसाब से हमको हल्के हाथ से इसको कर लेना है। एक चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, ये खाना वाला नमक है, रोज खाने में लेते हैं वही नमक है। हम नमक डालने के बाद में गैस को कम कर दिए, छोंकते टाइम में भी हम कम कर दिए थे गैस को, तो इसको हम कम में ही पकाएंगे लौंजी को। खाना खाते हैं वो वाला चम्मच मैंने एक लाल मिर्चा डाल दिए हैं, थोड़ा सा पिसा हुआ सौंफ था एक डेढ़ चम्मच जितना ये डाल दिए। ये दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशबू देती है, अच्छा भी लगेगा इस लौंजी में। इसको लौंजी भी बोलते हैं तो इसको खट्टी मीठा अचार भी बोलते हैं। 15-20 दिन तक आप कैसे भी खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा गला है ये, इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। 800 ग्राम आम था तो 800 ग्राम आम में मैंने छिलका उतर गया था, तो 250 ग्राम जितना मैंने चीनी लिया है, तो 250 ग्राम चीनी हमें, गुड़ भी डाल सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। मैं मेरे पास चीनी था तो मैंने चीनी डाल दी। अब इसमें थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख दूंगी, 4-5 मिनट के लिए, एकदम से गल जाएगा। इसको एकदम स्लो आंच करके, गैस को करके हम इसको ढक के रख देते हैं। 4-5 मिनट के लिए दोस्तों इसको ढक के रख देते हैं। इसको बीच में संभालना है, लग नहीं जाए, थोड़ा ख्याल रखना है। देखिए 4-5 मिनट हो गया है, अब इसको हम संभाल लेते हैं। देखिए एकदम चीनी पंगड़ के तैयार हो गई है, एकदम घुट गया है। देखिए चीनी पंगड़ के तैयार हो गई है, एकदम तैयार हो रहा, कितना सुंदर कलर आया है, वाओ कितना खुशबू आ रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डाल लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगेगा पिसा हुआ जीरा, इसमें खुशबू आएगा एकदम बढ़िया, चटपटा एकदम बढ़िया बनेगा अचार, अचार के जैसा ही मानो। 15-20 दिन से कैसे भी खाओ आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, काला नमक हम कैसे डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कटोरी में डाल लेते हैं। कटोरी में डालने के बाद में एक थोड़ा सा लिया है स्वाद अनुसार, तो इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने क्यों डाला है, पानी डालने का मतलब है इसमें, देखिए पिघल गया है, पिघलने के बाद में इसमें हम डाल देते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर का डाल देंगे, नीचे का हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, देखिए कितना पत्थर आया है, इसीलिए नहीं डालेंगे।
इसमें अच्छे से पक रहा है, सूखा चीज़ में नहीं डालेंगे, लेकिन इसमें पक रहा है तो हम डाल देंगे, इसमें पक जाएगा। अब इसमें खुला ही रख के पकाना है हमको, खुला रख के हमको पकाना है और 5-7 मिनट, उसके बाद में हम देखते हैं कैसा रहता है। देखिए तैयार हो गया है, मैं फुल आँच में इसको पका ली हूँ और इसको बीच बीच में हिलाती रही हूँ, नहीं तो ये चिपक जाएगा। वैसे तो ये मिनटन का कढ़ाई है, लेकिन फिर भी चिपकने का थोड़ा डर रहता है, चीनी है ना, चीनी का डर रहता है। तो आप थोड़ा सा वैसे ही पकाइएगा, वैसे ही इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितना सुंदर है, एकदम बढ़िया बना है, खुशबू अच्छा है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी बेल घंटी ज़रूर दबाना ताकि मेरा वीडियो आपके पास आता रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।